आपको जेल में डालना चाहती थी, एकल पट्टे में। और माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी की उस वसुंधरा की सरकार ने पूरे राजस्थान में जमीनों की लूट की। आपने बहुत आरोप लगाए 2013 से 18 के बीच में, पूरा राजस्थान। सिरोही में पीडब्ल्यूडी का एससी का कार्यालय बनना था, जिस जमीन पर, वो जमीन एक टेलीफोन से वसुंधरा राजे ने सरेंडर करवाई कलेक्टर को। कलेक्टर ने नगर परिषद की दी, नगर परिषद ने बीजेपी के कार्यालय के लिए 50 करोड़ की बेशकीमती जमीन अलॉट कर दी। सभापति महोदय, हम लोग, हमारा पार्षद, हमारा प्रतिपक्ष का नेता हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट से स्टे लेकर के आया। आज 5 साल हो गए मंत्री जी, आपका बीजेपी से क्या याराना है, क्या याराना है आपका? आज 5 साल हो गए, आपने उस जमीन को निरस्त क्यों नहीं किया अभी तक? आप सिरोही जिले के प्रभारी मंत्री थे, आप खुद उसमें शामिल थे, और आपने खुद ने ये 50 करोड़ का घोटाला करवाया है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो याराना आप भारतीय जनता पार्टी के साथ किए हुए हो, इस याराना से आप बाहर आओगे। वैसे तो आप लोग तो बहुत महान हो, हाईकोर्ट ने माननीय सभापति महोदय, और आप तो महान है, लेट हिम कंप्लीट प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया कि किसी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी बंगला नहीं दिया जाएगा। आप तो बीजेपी पर इस तरीके से मेहरबान है कि वसुंधरा राजे का मकान आपने वहां से निकाल करके यहाँ विधानसभा के उसमें डाल दिया, पर वो